सर बच्चन साहब बड़े एक्टर हैं लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने फिल्म को सपोर्ट किया, अच्छा लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मिलती जब जो लोग फिल्म बनाते हैं ना, स्पेशली राजू हिरानी जैसे लोग, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तनकपुर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तनकपुर एक भैंस है, वो आप देखेंगे क्यों है कैसे, वो पिक्चर देख के पता चलेगा। मेरा सपना है मैं ऐसे ऐसे कलाकारों को सत्कार करूँ, मेरा सपना है बच्चन साहब, नवाजुद्दीन, मैं इन लोगों को बहुत अच्छी एक्टर्स की श्रेणी में मानता हूँ, बहुत अच्छे एक्टर्स बच्चन साहब। कोशिश हम लोग इन्हीं की है, बहुत ही जो फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो कबीर साहब की फिल्म है और वो उनका जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही रियलिस्टिक सब्जेक्ट को लेकर वो बहुत ही कमर्शलाइज करके इसको प्रेजेंट करते हैं, तो सम्मान प्राप्त है उसमें, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उसको। नहीं देखा अभी, पिक्चर देख लूंगा ना, नहीं ट्रेलर, वैसे ट्रेलर देखा हूँ मैं, यहाँ इंटरेस्टिंग लुकिंग इंटरेस्टिंग और एक ऑथेंटिसिटी है फिल्म में, एक जेन्यूननेस लगती है, एक ओरिजिनल कहानी लगती है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कम अगेन नया जमाना डेफिनेटली आ रहा है, सोच बदली हुई है डेफिनेटली, बट साथ साथ आई थिंक दोनों टाइप की फिल्में चलती ही है, यू नो नए थॉट्स, लेकिन अगर नैरेटिव सही हो तो आई थिंक और अपीलिंग हो, इंडियंस को फाइनली अपील होना चाहिए, अगर वो हो जाए तो नथिंग लाइक इट। मैंने हमेशा कोशिश तो किया ही एक्शन हीरो था, कॉमेडी करने की कोशिश की, आई थिंक मेरी फिल्म जैसी थी तेरा घर मेरा घर, वही सिंप्लिसिटी थी, या रेड अलर्ट कहिए, तो आई थिंक यही फिल्में, दिस इज नॉट ओनली द फ्यूचर बट इट ऑल्सो एग्जिबिट्स इंडिया इन इट्स ट्रू सेंस, सो डेफिनेटली। आई थिंक जैसे कि मैंने कहा, एक जेन्यूननेस है एक फिल्म में, एक यू नो एक नई कहानी है, एक नया नैरेटिव लगता है, और यू नो विनोद इज ऑल्सो एनी वेज नोन फॉर द काइंड ऑफ वर्क ही डज, सो एक अच्छी फिल्म होगी तो डेफिनेटली मैं वैसे भी अगर क्रिटिकली एक फिल्म को देखूँ या एक क्रिटिक हूँ तो मैं क्रिटिकली फिल्म को अप्रिशिएट करूँगा, मैं उन क्रिटिक्स में से वैसे भी नहीं बन सकता जहाँ आप हम धज्जियाँ उड़ाते हैं किसी फिल्म की, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लगता है कि क्या बेटर हो सकता है, बेटर तो होगा ही क्योंकि साल भर के कोशिश के बाद, सालों के कोशिश के बाद कोई एक फिल्म बनाता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, कई लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन पहले ही दिन पे किसी भी फिल्म को ट्रैश करना मेरे हिसाब से गलत ही है, तो आई थिंक आई विल गिव इट अ 4-3 star प्लस एनी वेज। ऐसा ही दिन होगा जहाँ उसकी ट्रेलर लॉन्च होगी, उसकी फिल्म लॉन्च होगी, आई थिंक ऑन द 15th को आई थिंक ट्रेलर लॉन्च है, 25th को फिल्म रिलीज है, उम्मीदें हैं, मैंने फिल्म काफी कुछ देखा है, पॉजिटिव लग रहा है, बाकी तो राइट right.
देखिए मैं एडवाइस देता नहीं, मैं जेन्युइनली एडवाइस लेता हूँ, और मैंने उससे हमेशा यही कहा कि उस फ्राइडे से मत डरना, सक्सेस हो फेलियर हो, तुम अपना काम करो, तुम अपने काम से जेन्युइन रखो, और डायरेक्टर या को एक्टर्स हो उनके साथ एक रिलेशनशिप डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो प्रोड्यूसर का, जो पैसे डालता है घर बेच कर भी. तो आई थिंक द वन पर्सन दिस इंडस्ट्री डजंट रिस्पेक्ट इज द प्रोड्यूसर ऑफ अ फिल्म, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट प्रोड्यूसर, क्योंकि लॉस अगर होता है तो सिर्फ उसी को होता है, एक्टर मूव्स ऑन, अ डायरेक्टर मूव्स ऑन. सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड द कि काम में जेन्युइन रहो, बाकी सब होता रहेगा. बट एक फादर हूँ और यही चाहता हूँ कि फिल्म चले और एस्टैब्लिश हो जाए वो. आई थिंक कोशिश तो है ही कि मैं ऐसी फिल्में करना चाहूँगा जो रिलीज सही हो, आई थिंक उस पर ध्यान दे रहा हूँ. या थैंक यू ऑल द बेस्ट. बहुत बढ़िया है, शादी पक्की हो गई है. मेरी तो नहीं हुई है और ना पक्की हो रही है ना हो रही है, बट अच्छा है तनकपुर तो हो गई है. आई एम जस्ट किडिंग, आई एम वेरी हैप्पी. इट्स अ फिल्म मेड विद अ लॉट ऑफ सोल, इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म, एंड आई एम जस्ट फिंगर्स टोज आर्म्स एवरीथिंग क्रॉस्ड. वो उनको जेन्युइनली पसंद आएगी तो देंगे, बिकॉज ऐसा ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे हर एक को लग रहा है कि आई कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस. सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट अगर एक्टर्स आके इसको सपोर्ट करके रिव्यूज देने वाले हैं तो नथिंग बेटर देन दैट. एंड आई एम श्योर ऑडियंस इज ऑल्सो वेलकम टू गिव रिव्यूज, बिकॉज मुझे पता है ये ऑडियंस ज़्यादा रिव्यूज अच्छी देने वाली है. हाँ एक्चुअली मैं आ रही हूँ, आवाज आ रही है ना, आवाज ओके. सो रेप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं खुद मानती हूँ इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू. एक्चुअली हमारी जो पूरी फिल्म है उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं, क्योंकि ये सोशियो पॉलिटिकल सटायर है. हमने कभी ये नहीं कहा है कि हम कोई भी ऐसी कहानी आपको लेके आ रहे हैं आपके सामने जो विच विल हैव नो हेड और टेल. इट हैज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट. सटायर है, सटायर जो कहते हैं व्यंग, एक बहुत ही अच्छा वेपन होता है टू ब्रिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन आर कंट्री. सो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, और जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा एक इशू जो है, एंड वो भी एक एनिमल के साथ, कैसे हैंडल किया गया है. इट इज़ वेरी अनलाइक वॉट पीपल आर थिंकिंग. हम बहुत ही डार्क सब्जेक्ट देखते हैं जहाँ तक रेप का सवाल है, एंड आई थिंक इन द कंट्री व्हाट्स हैपनिंग इज वेरी पैथेटिक एंड सैड. ये हमारी जो फिल्म है, हमने सिनेमैटिक लिबर्टी लेके एक आपको एक ऐसा मिरर दिखाया है देश के बारे में, चाहे वो रेप हो, चाहे वो सुपरस्टिशन हो, चाहे वो हमारी सिस्टम हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, हर चीज़ का एक इट्स जस्ट मिरर. और आप देखेंगे तो हंसेंगे ज़रूर, और हंसने के बाद ये भी सोचेंगे कि हाँ यार दिस हैपन्स, ये तो हमारे देश में होता है. So our effort has only been that, and yet to entertain y'all and make y'all laugh. Thank you. Thank you. Thank you.